हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मदर इंडिया रेसिपीज़। तो आइए आपको सैर कराते हैं सुंदरनगर के मेले की, यानी कि मैं दोबारा आ चुकी हूँ सुंदरनगर और मेला देखने के लिए। तो मैंने कहा कि मेरे व्यूअर्स क्यों ना मेला देखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए मैं आपको सैर कराती हूँ पहले झील की एक बार और, क्योंकि ये गर्मी के जो दिन आ रहे हैं और बहुत मतलब कि ज़्यादा, तो ऐसी जगह पर पानी की जगह जाना, झील की सैर करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम दिन में तो गए थे वहाँ पर झील के पास, और वहाँ ले गए थे हम, छोटी सी एक पिकनिक की हमने। तो यहाँ पर एक तो जी यहाँ पर एक जगह है, और यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, स्टॉल ही कह दीजिए, थोड़ा सा उनकी शॉप है, चुक चुक मेल और बड़ा मतलब कि फनी सा और बड़ा अच्छा सा नाम है, चुक चुक मेल। और ये है सिर्फ ओनली बर्गर्स बनाते हैं, और बहुत चटपटे बर्गर्स बनाते हैं। तो हम लोग पहले वही देख रहे थे कि हम वहाँ जाएँ और वहाँ से बर्गर्स वगैरह लेते हैं। ये देखिए सामने इन्होंने ये इस मॉल में एक छोटा सा अपना ये शॉप ली हुई है यहाँ पर, है चुक चुक मेल, और यहाँ ये बना रहे हैं बर्गर। और इनकी इतनी सेल होती है कि मतलब लाइन लगकर बर्गर ले रहे हैं लोग यहाँ पर झील के पास, और खाने का तो मज़ा ही बस दुगना हो जाता है ना। ऐसी जगह आप जा रहे हैं और गरम गरम चटपटे बर्गर्स लेकर और फिर झील के पास बैठ कर खाएँ, तो मतलब कि बस डबल मज़ा आ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ से बर्गर पैक कराए, और मैं उनको कह रही थी कि प्लीज़ भाई मुझे जल्दी कर दीजिए। और समोसे वगैरह हमने पहले ले रखे थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और फिर हमें बैठने की भी बड़ी अच्छी जगह मिली झील के पास। तो हम लोग वहाँ नज़ारा भी देख रहे थे, शाम की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है और इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन आज हमारे साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि हमारे जो रिलेशन में, मामा जी के रिलेशन में कोई हैं तो मतलब उनकी भांजी हैं, मतलब कि मेरी मामी की कज़न और सिस्टर भी हैं उनकी, तो उनके घर बेटे का बर्थडे था, तो हमने वहाँ भी जाना था, तो इसलिए हम लोग कम ही लोग आए थे। तो हम आज फिर उनके बर्थडे में भी जाने वाले थे, और बच्चे ये सब अपनी अपनी फोटोग्राफी तो करना आपको पता ही है, सभी लोग आजकल। तुसी बर्गर नहीं खाना? तो बना यार, बच्चे बोल रहे हैं ज्यादा फुल हो जाती है मेमोरी, तब तो चलेगी यूट्यूब चलेगा। तो ये शाम का नज़ारा और सुंदरनगर की मार्केट, ये बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे तो, मतलब बहुत ही मज़ा आता है। अपनी अपनी जगह का कुछ अपना ही अलग मज़ा होता है, जैसे शिमला का माल रोड तो है ही माल रोड पर, सुंदरनगर के भी कोई नज़ारे कम नहीं है शाम के। और यहाँ मतलब मार्केट बहुत अच्छा लग रहा था शाम को घूमना, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं वीडियो ज़रा देर से अपलोड कर रही हूँ, अब तो खैर काफ़ी मई जून लग गया है। खिला भाई को, जाओ साइड बैठ जाओ, दोनों जने जाओ साइड, वेरी गुड, वहां चलो आगे साइड बैठ के चलो। तो जी चलिए आपको दिखाते हैं मेला, और मेले में घूमने का मज़ा तो आता है शाम को। तो ये मैं आपको दिखाना शुरू स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर वैसे तो ज़्यादातर यही थी कि क्या कहते हैं, रेडीमेड्स वगैरह और ये सारी ज्वेलरी, और ये जो फेवरेट होता है सबका, काला खट्टा आइसक्रीम वगैरह, तो ये सारी स्टॉल्स वगैरह थी। इन्हें देखकर हम आगे, क्योंकि ये बंद होने वाली थी थोड़ी सी, थोड़ा लेट आई थी मैं, इसलिए आई थी कि भीड़ कम हो जाए, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, और मैं चाहती थी कि मैं आपको अच्छे तरीके से सारी शॉप्स वगैरह दिखाऊं।
क्योंकि आप अच्छे से देख सकेंगे कि इसमें कितने सारे मतलब कि शॉप लगी हुई थी दुनिया भर की, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा, और टॉयज़ वगैरह बच्चों की, मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी सारी दुकानें, मैं मतलब घूम घूम के भी मतलब पता ही नहीं लग रहा था हम किस साइड को वापस आ रहे हैं, उसी मतलब जगह वापस आ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा मेला था, बहुत ही बड़ा। और ये कोलंबस बोट, और ये मतलब कि इतने अच्छे अच्छे से झूले लगे हुए थे बाहर आकर, ये जो पानी का जो मतलब थोड़ा सा ये छोटा सा टैंक सा, ये चावल के दाने पर नाम लिख रहे हैं, आप अपना नाम लिखाइए यहाँ पर आकर, चावल के दाने का लॉकेट बनाते हैं ये। क्या नाम है भैया आपका? ब्रिजेश। तो ये हर तरीके की दुकान है, वही से फिर से स्टार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ों की, खिलौनों की, और अब आने वाले खाने पीने के स्टॉल, जो छोले पूरी, ये और जो फ्लावर्स मैंने भी यहाँ से ये जो फ्लावर होते हैं आर्टिफिशियल वो परचेज़ किए, और छोटी मोटी स्लीपर्स वगैरह ये सब ली, और ये इतने ये पूरी छोले और ये सारे स्नैक्स वगैरह के सारे लगे हुए थे स्टॉल बड़े बड़े, इन्होंने हर चीज़ मतलब जैसे कि मेले में होती है। और ये शाम मतलब रात का ऐसा टाइम था कि जब लोग मतलब अपने घरों को जा रहे थे शॉपिंग करके, तो अब हम आ चुके हैं मेले से बाहर की साइड को। तो बाहर जो लगी हुई हैं ये दूसरी तरीके की शॉप्स हैं, जो मतलब कि कढ़ाइयाँ वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े स्पून वगैरह जो सब होते हैं, करछियाँ वगैरह, और ये सब मैं भी दिखाना चाहती थी। ये हर चीज़ मिलती है, यानी कि आप कभी भी आओगे तो। और ये जो मेरे आगे चले हुए ये पता नहीं कौन है, जय और वीरू से लग रहे हैं दोनों जोड़ी ठीक और अब चल पड़े हम बाहर की साइड को, मतलब घर की साइड को, और वहाँ भी मतलब मेले की ही शॉप्स लगी हुई हैं, मतलब कहीं भी बेचारों को जहाँ भी जगह मिल रही थी तो वहाँ पर वो उन्होंने शॉप लगाई हुई थी, जलेबी वगैरह मतलब हर चीज़ बनी हुई थी, और ये सब ढोकला वगैरह हर चीज़, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं बता नहीं सकती, इतने सारी खाने पीने की चीज़ें थी। ये देखिए मिठाइयाँ, ये मतलब इमरतीज़ वगैरह बहुत कुछ था यहाँ पर, तो शायद जैसे कि आप देख रहे हैं।
तो अब हम आए थे नेक्स्ट डे, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे, और ये सुंदरनगर की सबसे ऊंची पहाड़ी मान के चलिए कि आप यहाँ से जो सामने मकान दिख रहे थे पूरा सुंदरनगर का दिखता है यहाँ से नज़ारा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो सनराइज़ हो रहा है ये तो बस कमाल का ही लग रहा है, इतना पीसफुल और इतनी अच्छी जगह है ये। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको भी ये नज़ारे दिखाऊं। आप कभी भी मेला देखने आए तो सुंदरनगर की ये नज़ारे देखना ना भूलिएगा सुबह शाम के। तो यहाँ हमने बहुत इंजॉय किया सुबह सुबह, और शाम को हम एक पार्क में गए क्योंकि वापसी आज हमने शिमला वापस जाना था। तो ये एक वहाँ पर पार्क है छोटा सा, यहाँ पर शाम को काफ़ी बच्चे भी खेलने आए हुए थे क्योंकि गर्मी थी, दिन में तो कोई मतलब आता नहीं है, और बहुत अच्छा लगता है पार्क में, ग्रीनरी ज़्यादा है तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर भी शाम। तो यहाँ से हमने झूले वगैरह झूले और मछलियाँ देखी पार्क में, मछलियाँ भी थी। और उसके बाद हमारा मन हुआ कि हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं तो हम लोग डोमिनोज गए। तो दोस्तों आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी सारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको आ जाए।